हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्डेट्स का हमारा सिंपल चार्ट क्या होता है, जिसको डिस्कस करने के बाद में हमको कोई भी क्लासिफिकेशन एनिमल्स का याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के कॉर्डेट्स के चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्डेटा है, ठीक है, तो वो तीन सबफाइला में डिवाइड है, ठीक है। तो यूरो कॉर्डेटा हमारा पहला है, दूसरा सिफाइलो कॉर्डेटा है, तीसरा हमारा वर्टिब्रेटा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि यूरो कॉर्डेटा का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो टेल प्लस नोटोकॉर्ड इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जिसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, वो हमारे होंगे यूरो कॉर्डेटा। फिर सिफाइलो कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो हेड प्लस नोटोकॉर्ड मतलब हेड से लेकर टेल तक जिसमें नोटोकॉर्ड एक्सपेंड कर दो, ठीक है, वो हमारे सिफाइलो कॉर्डेट्स हो जाएंगे। फिर वर्टिब्रेटा का जो हिंदी मीनिंग हम देखें तो उसका हिंदी मतलब होता है हड्डी वाला, ठीक है। तो बैकबोन प्लस स्केलेटन जो हमारा हो जाएगा, जिन एनिमल्स हैं इंसेक्ट्स में ये होगा, तो वो हमारे वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यूरो कॉर्डेटा के अगर जो कमेंट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, बाकी जो दूसरे हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में क्लोज टाइप होता है, सिर्फ हमारे यूरो कॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन होता है, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो भी ओपन टाइप का होता है। सिफाइलो कॉर्डेटा में जो रिप्रोडक्टिव टाइप होता है वो सेपरेट होता है और हार्ड इसमें एब्सेंट होता है। तो वर्टिब्रेटा में जो हमारा कॉर्डेटा होता है वो प्रोटोकॉर्डेटा प्लस वर्टिब्रेटा के बराबर होता है। सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होंगे लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे, क्योंकि सारे कॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा प्लस वर्टिब्रेटा होंगे, ठीक है। वर्टिब्रेटा में स्टमक, पैनक्रियास, पेयर्ड फिन्स, स्केल्स ये सब एब्सेंट होगा, ठीक। फिर अगर जो हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेटा का डिवीजन, ठीक है, तो पहला हमारा आता है वर्टिब्रेटा का, वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है एग्नेथा, दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो हमारे होते हैं वो जॉलेस फिशेस के लिए होते हैं, ठीक है, और नेथोस्टोमेटा जो होती है वो विद ट्रू जॉज होती है, मतलब इसमें जबड़े पाए जाते हैं, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। हिंदी में देखें तो ये होगा जबड़ा रहित और ये होगा जबड़ा सहित। एग्नेथा जो हमारे हैं वो उसके दो क्लासेस होती हैं, लेकिन हमको जो पढ़नी होती है वो हमारी होती है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो का मतलब हो गया राउंड, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब हो गया गोल मुंह वाली, ठीक है। गोल मुंह वाली मछलियाँ जो होंगी वो साइक्लोस्टोमेटा की कैटेगरी में आएंगी। फिर नेथोस्टोमेटा जो हमारा होता है जबड़ा सहित, वो उसकी दो सुपर क्लासेस होती हैं, पहली पाइसेस, दूसरी टेट्रापोडा। पाइसेस का क्या मतलब होता है, फिन्स प्रेजेंट होती है इसमें। डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स का मतलब होता है उड़ने वाली, और फिन्स का मतलब होता है तैरने वाली, ठीक है। तो पाइसेस में फिन्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फिशेस की बात हो रही है ना। तो टेट्रापोडा की अगर जो बात करें तो टेट्रा का मतलब हो गया चार, और पोडा का मतलब फ्लेक्स, फोर प्लस लेग्स मतलब चार पैरों वाले जो भी होंगे वो हमारे टेट्रापोडा में आएंगे, ठीक है। पाइसेस हमारी जो सुपर क्लास है, ठीक है, वो दो लिविंग क्लासेस में फिशेस की डिवाइड हुई है, ठीक है। पहली कॉन्ड्रिक्थीज है, दूसरी हमारी ऑस्टिक्थीज है। जो कॉन्ड्रिक्थीज होती है क्लास वो कार्टिलेज स्केलेटन की होती है, और जो ऑस्टिक्थीज जो होती है वो बोन स्केलेटन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर दूसरी है क्लास हमारी टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा की अगर जो बात करते हैं तो टेट्रापोडा हमारी चार क्लासेस में डिवाइड है। पहली एम्फीबिया, दूसरी रेप्टाइलिया, तीसरी एव्स, चौथी मैमल्स है, ठीक है। एम्फीबिया का क्या मतलब होता है, एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब हो गया डुअल और बायो का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है, डुअल लाइफ। जो लैंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं डुअल लाइफ वाले एनिमल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स की अगर जो बात करें, रेप्टाइल्स मतलब रिंग के चलने वाले, जैसे कि वॉल लिजार्ड है, क्रोकोडाइल। एव्स की बात करें, एव्स में हमारी आ जाती है पिगन या कोई भी बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स की कैटेगरी होंगी वो एव्स में आएंगी। फिर अगर जो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जैसे कि ह्यूमन्स है, काऊ है, गोट है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारी किस में आएंगी, मैमल्स में आएंगी। मैमल्स में क्यों आएंगी, जो बॉन्ड बेबी को बर्थ दे वो मैमल्स होता है। एम्फीबिया मतलब वाटर लैंड दोनों जगह पर सर्वाइव करें, रेप्टाइलिया का मतलब जो रिंग के चले, एव्स का मतलब जो बर्ड्स होंगी, मैमल्स का मतलब जो बॉन्ड बेबी को बर्थ दे। अब मैंने ऊपर कहा था सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में कि इस चार्ट को प्रिपेयर करने के बाद में हमको कोई भी क्लासिफिकेशन याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं वॉल लिजार्ड का, ठीक है। तो वॉल लिजार्ड की क्लास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लास तो रेप्टाइलिया हो गई है, यहाँ पे हमारी आती है सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये जो क्लास हमारी रेप्टाइलिया है वो टेट्रापोडा से आई है, और ये जो टेट्रापोडा है हमारा ये नेथोस्टोमेटा ग्रुप से आया है। तो वर्टिब्रेटा से ये नेथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा से आया, वर्टिब्रेटा हमारा कॉर्डेटा से आया है। तो किंगडम क्या हो जाएगा, किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। फाइलम हमारा हो जाएगा कॉर्डेटा, सब फाइलम हमारा हो जाएगा वर्टिब्रेटा, और फिर उसके बाद में ग्रुप हमारा नेथोस्टोमेटा हो जाएगा, सुपर क्लास टेट्रापोडा हो जाएगी,
और क्लास हमारी रेप्टालिया हो जाएगी। अब बात आती है ऑर्डर की, सिर्फ ऑर्डर हमको अलग से याद करना पड़ेगा और जीनस स्पीशीज जो हमारे बॉटनिकल नेम्स होते हैं उनसे निकल के आती है, ठीक है। जूलॉजिकल नेम मतलब मॉलिजार्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, हेमीडेक्टाइलिस, ठीक है। तो हेमीडेक्टाइलिस क्या हो गया, जीनस हो गया। अब स्पीशीज तो है नहीं, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फ्रॉक का ले लेते हैं, तो इसका नाम है राना टिग्रीना साइंटिफिक नेम। तो राना हो गया जीनस और टिग्रीना हो गया स्पीशीज। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें पहला वर्ड हमारा जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज होता है। तो इस चार्ट को प्रिपेयर करने के बाद में हमको क्लासिफिकेशन नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक से चार्ट, जिसको याद करने के बाद में हमको कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं याद करने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।